बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 6 मार्च को जन्नत सासला जन्नत को मारने वाला उसका वालिद शाहजेब को मियांवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको डिस्ट्रिक्ट बक्सर से मियांवाली पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया है। इत्तेफाक बाप ने 6 मार्च को अपनी बच्ची को पिस्टल के 5 फायर करके कत्ल किया था क्योंकि ये बेटे का ख्वाहिशमंद था। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब और आईजी पंजाब राव सरदार अली खान और हमारे रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोधा राणा फैसल ने इनका नोटिस लिया था और इसमें इसको जल्द अज्द पकड़ने के लिए हिदायत दी थी। आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब और आरपीओ सरगोधा रोज़ाना इसकी अरेस्ट के बारे में अपडेट लेते रहे, पल पल के हमें प्रोड करते रहे और उन्होंने रेगुलर बुनियादों पे हमें इसके अरेस्ट के लिए हिदायत दी और हमने इसके लिए अरेस्ट के लिए मियांवाली पुलिस ने 3 टीमें डीएसपी सदर की ज़ेर निगरानी बनाई जिसमें सीआईए की टीम थी, हमारे एसएचओ साहब की टीम थी और एसएचओ महाबादशाह की टीम थी। इन्होंने दिन रात मेहनत की, 30 के करीब रेड्स किए इसमें और दर्जनों लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश किया। इसका पकड़ना मियांवाली पुलिस के लिए एक बहुत अहम कामयाबी है क्योंकि इसने जो एक्ट किया है, सफाकाना अमल किया है, वो आज के दौर में कुछ सोच नहीं सकता। अपनी बच्ची को गोलियों से भूनना, 7 दिन की बच्ची, ऐसा सफाकाना फेल है जिसने सब लोगों के ज़मीर को झोड़ दिया है, लोगों को अपने माशरे में दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे अहम मरहला हमारे लिए इसकी तफ्तीश है और इसकी कन्विक्शन है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान साहब और आरपीओ सरगोधा राणा फैसल साहब की हिदायत की रोशनी में इसको खुद इसकी तफ्तीश की निगरानी करूंगा और इसमें हम जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को साथ मिलाएंगे और इसके जो एविडेंस है, नेसेसरी एविडेंस, वो सबको अपने साथ इस केस फाइल पे लेके आएंगे ताकि इसकी कन्विक्शन हो और इसको अदालत से मिसाली सजा दी जाए। ये एक टेस्ट केस था मियांवाली पुलिस के लिए इसका पकड़ना। तो मैं अपनी सारी टीम डीएसपी सदर की क्यादत में, एसएचओ सदर सिटी और इंचार्ज सीआईए इरफान कुजरी सब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और इन्होंने दिन रात को नहीं देखा और सुबह शाम एफर्ट करके दर्जनों लोगों को इंटरोगेट करके इस जो एक चैलेंज था मियांवाली पुलिस के लिए उसको सुरखरू किया है और इस शख्स को जिसने अपनी बच्ची के बहमाना का कत्ल में मुलविस था उसको अरेस्ट किया है।